भाइयों सबने राम राम। काल जितना भी रहेगी सबने लखनऊ और हैदराबाद का मैच है, तो भाइयों मैं अपने फिर ग्रैंड टीम दूँ इसकी बना के। सब में पहले आप चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरी देखियो, तुमने कंप्लीट टीम मिलेगी एंड में वीडियो के। अगर तुम वीडियो मिस करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो भाइयों टीम का तुमने नहीं बीरा पटेगा। कौन सा प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा ड्रॉप करना है और कौन प्लेयर पूरा कैप्टन रहेगा, कौन प्लेयर वाइस कैप्टन बनाना है, मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें तुमने। बस खाली तुम वीडियो पूरी देखियो और बीच में जो मैं प्लेयर सेलेक्ट करूँ उन्हें ध्यान से देखते रहियो। लास्ट में दो टीम तार तरह कम्प्लीट आऊँगी बन के, सही है भाइयों। उसमें अगर तुम रिस्क लेना चाहो तो कैप्टन ले सको भाइयों, मैं जो बताऊँ कैप्टन वही रहेगा, लगभग कन्फर्म है। ये वो तारी मर्जी है कि अगर तुम चेंज करना चाहो तो कुछ टीम में, सही है। कोई भी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है भाइयों, चार पाँच मिनट की वीडियो बनाया करें, तुमने तो खाली देखने और जीतना हो रहा तो दिमाग लगा करें भी। पहले ग्राउंड का रिकॉर्ड देखो, ग्राउंड का बायोडाटा सारा देखना भी, उरे किस प्लेयर ने कितने रन मारे हैं, किस बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा भाइयों। तुमने तो खाली वीडियो देख कर टीम लगानी है भाइयों, तो क्यों परेशान रहो आप। देखो ही मैं बताऊँ, काल त्रिपाठी हैदराबाद हल्की टीम है, लखनऊ भारी टीम है। सबने बेरा कि लखनऊ मैच जीतेगी, मगर मेरा दिमाग जो कह रहा है कल हैदराबाद मैच जीतेगी और त्रिपाठी इसमें तोड़ेगा, तुम देख लियो जाए। त्रिपाठी सिलेक्शन में जाएगा, सही है, कम परसेंटेज में जाएगा और तरह इनने तो पूर्ण के मायर्स कल मेरे हिसाब से फ्लोप रहेगा। राहुल रन मार सका है 20-25 जो भी, और कीपरिंग तो पॉइंट मान लो या पूर्ण कीपरिंग करेगा जो भी करे, वह चीज़ अलग है। लाइन आउट है अच्छा बता दूँ उतारते, और टीम में किए बदलाव होगा, या फिलहाल तो मैं प्लेइंग 11 की टीम बनाऊँ जो प्लेइंग 11 पिछले मैच में थी, उस हिसाब से टीम बताऊँ तुमने। और तुमने इसमें भाइयों कोई अगर अन प्लेयर मान लो कोई प्लेयर खेलना नहीं है तो उसने चेंज कर लियो, नहीं तो टीम भाइयों न्यू रहन दियो, मेरा कहना मानो तो। और अगर तुम बॉलर पर रिस्क लेना चाहो तो भाइयों फारूकी पहले इसको, फारूकी बहुत बढ़िया बॉलर है, ये बता दूँ तुमने, अफगानिस्तान का लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करा हुआ है, और मेरे हिसाब से वो दो तीन विकेट के मैच में 3 विकेट कम से कम लेकर जाएगा डेथ वाला, क्योंकि इवे तक 2-3 मैच जो लास्ट के हुए हैं सब में बॉलर कैप्टन या वाइस कैप्टन गया है लास्ट में, ये देख लियो फास्टर, इस चीज़ का ध्यान दो मैच में। बैट्समैन ओपनर रन मारा है एक, सही है, तो वो देख लो, बता दी मैंने, राहुल रन मारेगा, इनने तो तारा त्रिपाठी रन मार सके है, और एक मयंक अग्रवाल, दोनों ले कर चालियो जरूर। मयंक अग्रवाल ने चाहो तो कैप्टन के रोल में भी ले इसको तुम, और फारूकी ने वाइस कैप्टन के रोल में, अगर एक टीम फालतू लगानी है तो इस हिसाब से टीम लगा लियो भाई, बताऊँ इसमें तुम देख लो सारे प्लेयर, क्योंकि लखनऊ कल मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर फ्लोप रहेगा इसका लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ भाई टीम बहुत ऐबी है, तो वह अपने उसमें आ जाए घमंड में, और सही बैट्समैन भी खैर इतने वे नहीं हैं कि बढ़िया बैट्समैन खेल रहे हों, सारे वे अपने उरे के बैट्समैन हैं, बॉलर ने खिला रहे हैं बाहर के, तो इतनी खास बैटिंग नहीं है। जी फिलिप्स अगर हैदराबाद तक खेल रहा है तो ये जरूर लेना पड़ेगा भाइयों, कीपरिंग में बता दूँ, ये ऐसा बैट्समैन है, बॉलिंग भी करा सका है स्पिन, सही अगर कीपरिंग नहीं करेगा, और बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, मगर इवे तक विदेशी प्लेयर खैर चला नहीं है, मगर मैं इसने लेकर चलूँगा भाई कैप्टन के रोल में एक मैच में, अगर ये खेलेगा तो ये बता दूँ उतारते, फिर मत कही बताई नहीं थी। और इसमें देखो ये तो बता दूँ बॉलर में नटराजन, उमरान मलिक, ठीक है भाई, दो बॉलर तो ये, तारा बिश्नोई इसका नहीं लेगा विकेट, अगर पहला इनिंग आ गई तो एक आधा विकेट ले जाएगा बस, हद मार गया, नहीं तो फास्टर की डेथ जो फास्टर बॉलर है डेथ का उसने जरूर ली हो बस, रवि बिश्नोई ने चाहे ड्रॉप कर दी हो बताऊँ बताते, क्योंकि मैं फिर भी लेके मार्क वुड बढ़िया बॉलर है भाइयों, मार्क वुड फास्टर बॉलर है, बढ़िया लाइन लेंथ, बढ़िया बॉलिंग, हर मैच में मेरे हिसाब से 3-3 विकेट लेके गया है, पॉइंट बहुत दिए के जाग रहा भाइयों, तो इसे प्लेयर ने अपना ड्रॉप नहीं कर सके, मगर एक टीम में रिस्क लेंगे उसकी जगह दूसरे बॉलर ने लेंगे जिसने विकेट मान लो कम मिले हैं, जिस तरह की नटराजन या उमरान मलिक जितना भी है उन पर वाइस कैप्टन का रिस्क लेके चल पड़ेंगे। फारूकी रहा, फारूकी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, मगरी भाई एक मैच खेला है तो 2 विकेट मिले थे भैया, मार्क वुड 2-3 मैच खेल चुके हैं तो बढ़िया विकेट मिल रहे हैं, 2 ही वो खेले मार्क वुड भाई, सॉरी गलती होगी, सही है भाई। और इसमें आवेश खान मेरे हिसाब से कोई खास बॉलर नहीं है, क्योंकि ये तो भाई पिटन का है और नो बॉल फेंकन का, इस पर चांस मत लियो तुम ज़्यादा,
स्टोनिक्स पे अगर मकरम खेलेगा तो मकरम आती हैदराबाद की बैटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी। हैदराबाद पे वन डाउन खेलेगा मकरम तो अपने भारत के प्लेयर एक दो बाहर हो जाएंगे टीम में, टीम बहुत मजबूत हो जाएगी हैदराबाद की। मकरम आ गया और जिम फिलिप्स आ गया तो दो प्लेयर आती बॉलर निकट जाएंगे बाहर के, बॉलर भारत के ही खेलेंगे इसमें, फिर बैट्समैन आने घुसेड़ेंगे क्योंकि बैट्समैन कमज़ोर है भारत इसमें हैदराबाद में। सही है भाई, इसमें तुम देख लो, मैं लास्ट में टीम आवा ही बन के कंप्लीट टीम आऊँगी, वे टीम भाई तुम लगा लियो, और अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहो तारी मर्जी, और अगले मैच की टीम फेर दूंगा। यो कल अपना मैच सांझ ने है 7:30 बजे तक लखनऊ वर्से हैदराबाद। सही है भाई, सारी टीम दूंगा तार पूरे आईपीएल की, और आप जरूर जीतेंगे। सही है भाई, राम राम, ओके भाई, बाय।